नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भारत में कोविड 19 के 44,281 नए मामले सामने आए। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 46,36,011 हो गए। वहीं 512 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,27,571 हो गई। देश में अभी 4,94,657 लोगों का कोविड 19 का इलाज चल रहा है। 80,13,783 लोग संक्रमण मुक्त। हार में सत्ता विरोधी लहर और विपक्ष की कड़ी चुनौती को पार करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए ने बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया। 243 सीटों में से 125 सीटों पर जीत दर्ज की। महागठबंधन का नेतृत्व कर रहा राजद 75 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। भले ही बिहार में राजग ने बहुमत हासिल कर लिया हो, लेकिन नीतीश कुमार की जदयू को इस चुनाव में भारी नुकसान हुआ है। जदयू इस बार 43 सीटों पर ही सिमट गई और उससे 27 सीटों का नुकसान हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव में हिलसा सीट महज 12 वोटों के अंतर से जदयू के खाते में चली गई। जदयू के कृष्ण मुरारी शरण को 61,848 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राजद उम्मीदवार अत्री मुनि ने 61,836 वोट हासिल किए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव के साथ आने की अपील की। कहा, भाजपा संग अमर बेल के समान है, जिस पेड़ पर लिपट जाती है वो पेड़ सूख जाता है और वो पनप जाती है। नीतीश जी, लालू जी ने आपके साथ संघर्ष किया है, आंदोलन में जेल गए। उन्होंने नीतीश से बिहार की राजनीति छोड़ भारत की राजनीति में आने की अपील की। बिहार विधानसभा के साथ 11 राज्यों की 59 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में लहराया भाजपा का परचम। भाजपा ने 40 सीटें अपने नाम की, जबकि कांग्रेस को केवल 12 सीटों पर संतोष करना पड़ा। गुजरात की 8 सीटें भाजपा ने जीती तो यूपी की 7 में से 6 सीटों पर भाजपा की जीत। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा उपचुनावों में 19 सीटों पर भाजपा की शानदार जीत। कांग्रेस को मात्र 9 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। उपचुनावों में 3 मंत्रियों समेत 6 सिंधिया समर्थकों की हार। मुंबई इंडियंस लगातार दूसरे और पांचवी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया। फाइनल में मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया। रोहित शर्मा की कप्तानी में ही मुंबई ने सभी खिताब जीते। किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान केएल राहुल के सिर पर सजी ऑरेंज कैप। उन्होंने 14 मैचों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 670 रन बनाए, 30 विकेट लेकर कागिसो रबाडा ने किया पर्पल कैप पर कब्जा। सकारात्मक वैश्विक संकेतों और विदेशी निवेश में जोरदार बढ़ोतरी के चलते सेंसेक्स बुधवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। 35 अंकों से अधिक की तेजी के साथ सेंसेक्स ने छुआ 43,675 का आंकड़ा। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर, और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।